तो ये मुरसल की तबाही है। और शाहबलुल्लाह दिलवी ने लिखा है हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा में कि फिका हनफी और फिका मालिकी की खराबियों की वजह यह है कि ताबईन के अकवाल के ऊपर इन्होंने अपनी फिका सारी बना ली है ज्यादातर, और इन्होंने यानी मरफू और मौकूफ रवायतों की तरफ तवज्जो नहीं दी है। और जब बाद में वो रवायतें निकली तो एक इन्होंने कहा साड़ियां भी दीजा सन घूम गई, वो घूमिया नहीं, वो है ही नहीं सन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये है मशहूर होने का एक आसान नुस्खा, शैतानी नुस्खा, कि आप किसी बहुत बड़े मुहदिस के खिलाफ बदतमीजी करें, बद अखलाकी करें, आप मशहूर हो जाएंगे। क्योंकि शैतान ने अल्लाह तबारक व ताला के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। तो ये शैतानी नुस्खा है जो मिर्जा जहलमी ने अपनाया हुआ है, इमामों के खिलाफ, मुहदिसीन के खिलाफ, फुकहा के खिलाफ, कभी कहना कि इमाम मालिक सुन्नी टुन्नी थे, कभी इमाम अहमद बिन हम्बल को चीरा देना, नऊज बिल्ला, चीरे की बात करना और उनसे बदतमीजी और बद अखलाकी का मुजाहरा करना, कभी इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन सीरीन को लानती कहना, इमाम बुखारी को राफजी कहना और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना कि उनकी फिका में इतनी खराबियां थी, वो ताबईन से अकवाल लेते थे, जबकि इमाम इसराइल और इमाम अबू हनीफा अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, ये हम जमाना है, वो कहते हैं सबसे ज्यादा अहादीस इमाम अबू हनीफा को याद थी। तारीख बगदाद जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 339 में इमाम खतीब बगदादी ये लिखते हैं कि इमाम इसराइल वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा अहादीस इमाम अबू हनीफा को याद थी। और किस तरह झूठ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिका पर, कि फिका हनफी की खराबियां हैं, कि वो ताबईन के अकवाल पर बनी है, मरफू रिवायात नहीं है उसमें, मौकूफ रिवायात नहीं है। जब मरफू और मौकूफ रिवायात आ गई तो ये कहने लगे हमारे पास भी हदीसें थी, गुम हो गई। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी मक्कारी। एक तरफ बड़े बड़े इमाम इमाम अबू हनीफा उनकी फिक्र के बारे में ये कह रहे हैं और मिर्जा जेलमी किस तरह झूठ बोल रहा है अपने आप को मशहूर करने के लिए, कि जितने बड़े इमाम के खिलाफ मैं जबान दराजी करूंगा इतना मैं मशहूर होऊंगा। इसको खुद को मालूम नहीं अहादीस गुम नहीं हो, इसको खुद को मालूम नहीं है वो अहादीस, वो मसाइल। उनमें से एक मिसाल मैं आपको देता हूं, ये अपने लेक्चर्स में कहता है कि फिक्र हनफी में जो मसला है कि इमाम रुकू में हो, बंदा रुकू में मिल जाए तो वो रकात पा लेता है, कहता है इसकी कोई असल नहीं है। मैं आज इसी मसले पर आपसे गुफ्तगू करूंगा, मैं आज इसी मसले पर दलाइल दूंगा कि इमाम रुकू में हो और बंदा रुकू में मिल जाए तो वह रकात पा लेता है तो इनकार क्यों करते हैं। ये इनकार इसलिए करता है, एक तो इसने पढ़ा नहीं और इसने तहकीक नहीं की, दूसरा अगर ये मान ले कि इमाम के रुकू के साथ मिलने के साथ बंदा रकात पा लेता है तो इसका जो फातिहा खलफल इमाम वाला मसला है जिस पर ये लेक्चर देता है और बदतमीजी और बदअखलाकी का बाजार गर्म करता है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि इमाम रुकू में हो और आप पीछे आके रुकू में मिल जाते हैं तो फातिहा वाला मसला खत्म हो जाता है। ये जो कहते हैं कि इमाम के पीछे भी फातिहा पढ़ना लाजमी है तो अब वो बंदा जब रुकू में मिल जाएगा वो रकात भी काउंट होगी तो फातिहा को किस तरह आप काउंट करेंगे, फातिहा को आप कैसे मिलाएंगे, फातिहा के बगैर रकात मुकम्मल हो रही है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि फातिहा के बगैर रकात मुकम्मल हो रही है और मौकूफ अहादीस भी बताऊंगा आपको और मरफू अहादीस भी। मौकूफ रिवायत उसको कहते हैं कि जिसकी सनद सहाबी तक पहुंचे, और मरफू हदीस उसको कहते हैं जिसकी सनद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। आपके सामने ये किताब है अस सुनन कुबरा लिल बैहकी, हदीस नंबर 2580, जिसमें हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, यानी ये मौकूफ रिवायत है, कहते हैं मन अदरकल इमाम राकियन, जिसने इमाम को रुकू की हालत में पा लिया, फरका कबल अन यरफअल इमाम रअसहु, अगर उसने रुकू किया इमाम के सर उठाने से पहले, फकद अदरका तिलकर रकात, उसने वो रकात फाली। ये हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का ये फतवा है कि जो शख्स रुकू की हालत में इमाम को पाले और ये भी पहुंच जाए रुकू में इमाम के सर उठाने से पहले तो उसने वो रकात पाली। अगली हदीस भी अस-सुनन कुबरा लिल बैहकी की हदीस नंबर है 2587, जिसमें हजरत जैद बिन वहब वाकया बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला के घर से हम निकले मस्जिद की तरफ, जब हम मस्जिद के दरमियान में पहुंचे तो इमाम ने रुकू कर लिया, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने भी रुकू कर लिया और मैं भी रुकू किया और हम रुकू की हालत में आगे चले यहां तक कि हम सफ में पहुंचे और इमाम ने सर उठा लिया।
नमाज मुकम्मल होने के बाद मैं खड़ा हुआ, मैंने समझा कि मेरी रकात वो छूट गई है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने मेरा हाथ पकड़ा, वह अजलसनी, आप रजी अल्लाह तआला ने मुझे बिठाया, सुम्मा काल, फिर फरमाया, इन्नक कद अदरकता, बेशक तूने पा लिया, यानी उस रकात को तूने पा लिया जिस रकात में तू इमाम के साथ था। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला का फतवा, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला का फतवा यह कि जो शख्स इमाम को हालत रुकू में पाले तो उसने वो रकात पाली। अब ये हदीस की तरफ आएंगे, हदीस ज़ईफ है, इसलिए मैं इनके घर की बात बताऊंगा। किताब है अल जामे अल कामिल फिल हदीस सही शामिल, कि वो किताब जामे कामिल जिसमें तमाम अहादीस सही हैं, और इसके मुसन्निफ हैं अबू अहमद मोहम्मद अब्दुल्ला अल आज़मी, और ये मस्जिद नबी के मुदर्रिस हैं। तो जाहिर है आपको मालूम है कि जो मस्जिद नबी का मुदर्रिस होगा वो किस फिरके से ताल्लुक रखेगा, और उसने किताब लिखी अल जामे अल कामिल फिल हदीस सही शामिल, उसमें जिल्द नंबर 3 है और सफा नंबर 39 में लिखते हैं, इसी रिवायत को नकल करके नीचे लिखते हैं, वह इसनादु सही हुन, ये हदीस सही है कि जो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था अपने साथी को कि तूने वो रकात पा ली जिसमें तू इमाम के साथ मिल गया। अब इसके नीचे अपने कमेंट्स क्या देते हैं, कहते हैं वफिल हदीस, इस हदीस में दलील दलील लिल जमहूर, जमहूर की अल कायलीन, जो इसके कायल हैं कि बेअन्ना मुद्रिका रुकुई, रुकू को पाने वाला मुद्रिकुन लिल रकाती, रकात को पाने वाला होता है। नीचे लिखते हैं कि जो कायल है जमहूर, जमहूर मुहद्दिसीन जो कहते हैं कि जो शख्स इमाम को रुकू में पाले उसने वो रकात पाली, ये उनकी दलील है, और इसलिए भी ले अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम या अमुर, कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म नहीं दिया था अबा बकरा बिल इयादत, हजरत अबू बकरा को दोबारा नमाज लुटाने का हुक्म नहीं दिया था। इसलिए ये भी दलील है कि जो शख्स रुकू में इमाम को पाले गोया कि उसने वो रकात पाली। वो अबू बकरा वाली हदीस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये बुखारी शरीफ की हदीस है 783। अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, वो राकिउन, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुकू में थे, फराका, तो अबू बकरा ने भी रुकू किया, कबल अन यासिला इला सफी, सफ तक पहुंचने से पहले पहले हजरत अबू बकरा ने रुकू किया, फज़ाकरा ज़ालिक लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहुंची, फकाल, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ादकल्ला हिरसन, अल्लाह ताला तेरे इस हिरस में और इजाफा फरमाए, वला तऊद, दोबारा ऐसा न करना। अब मुहद्दिसीन इसके बारे में क्या कहते हैं, वला तऊद, दोबारा ऐसा न करना। अब पहले मैं आपको बताऊं मिर्जा जेहलमी क्या कहता है, मिर्जा जेहलमी ये कहता है कि इस हदीस से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा कि दोबारा इस तरह न करना, यानी अब जो तुम रुकू में पहुंचे हो आज तुम्हारी नमाज ठीक है, आइंदा ऐसा न करना, यानी रुकू में न मिलना, अगर तुम इमाम के रुकू में मिलोगे तो वो रकात शामिल नहीं होगी, इसलिए वो रकात तुम्हें दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया वला तऊद, दोबारा ऐसा न करना, ये मिर्जा जेहलमी कहता है। और मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, और सबसे ज्यादा मशहूर शरह जो है बुखारी की वो क्या है, फतुल बारी। आइए इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह वो क्या शरह करते हैं, एक जाहिल जेहलमी की शरह है जो लोगों को तबाह बर्बाद कर रहा है, और एक इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की शरह, वो क्या कहते हैं देखिए, फतुल बारी बि शरह सही बुखारी, वला तऊद, वला तऊद की शरह क्या करते हैं, आई यानी इलामा सनाता मिन सईर शदीद, कि जो तूने चल के जल्दी जल्दी चल के सफ की तरफ आए हो, तुम रुकू दून सफ, रुकू करके सबसे पहले पहले इस तरह दोबारा न करना, क्योंकि जल्दी नमाज के लिए चलना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, फरमाया वकार और सुकून के साथ नमाज की तरफ आओ, अगर एक रकत भी छूट जाए तो कोई मसला नहीं, उसको पढ़ लेना बाद में, लेकिन नमाज के लिए जब आना है तो सुकून और वकार के साथ आना है। तो वला तऊद का माना इब्न हजर अस्कलानी ये फरमाते हैं कि इला मा सनाता मिन सईर शदीद, के जल्दी जल्दी दौड़ के नमाज की तरफ न आना, ये है इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की शरह। और मिर्जा जेहलमी ने क्या शरह की कि दोबारा इस तरह रुकू में ना मिलना, हालांकि मैंने आपको हदीस दिखाई बहकी की जिसमें अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रुकू में मिलते हैं और अपने साथी को बाद में बिठा देते हैं कि जो बंदा रुकू में मिलता है वो रकात में पा लेता है, और उसके बारे में क्या कहा मस्जिद नबी के मुदर्रिस मुहद्दिस ने क्या कहा
कि ये हदीस सही है, इसनादु सही है। ये है मिर्जा जैलमी की जहालत कि उसे खुद अहादीस का इलम नहीं है और ये कह रहा है कि फिकह हनफी में जितने भी मसाइल हैं वो ताबईन के अकवाल पर बने हुए हैं। नाम निहाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा खारजी के हर झूठ का अब हम करेंगे इल्मी पोस्टमार्टम। अब ताकुब किया जाएगा नाम निहाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा खारजी के हर झूठ का। तमाम उशाके रसूल हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।